हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे भरवा टिन से। इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम टिन से, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 4 बड़े चम्मच ऑयल, नमक स्वाद अनुसार, 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर। ये बहुत इजी और क्विक रेसिपी है। जब आपके पास टाइम बहुत कम होना तो आप ये सब्जी को बहुत फटाफट बना सकते हो। और इसमें इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही बेसिक है और ये बैचलर्स भी बहुत आसानी से पका सकते हैं। पहले हम टिनसे को हल्के हल्के पील कर लेंगे। अब इसमें हम कट लगा लेंगे। इस तरह सारे टिन से पील करके कट लगा के हमने तैयार कर लिए हैं। अब एक बाउल में हम सारे मसाले मिक्स कर लेते हैं। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार मिक्स करके हम मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मसाला मिक्स हो गया है। अब हमने टिनसों में जो कट लगाया है उसके अंदर हम ये मसाला भर देंगे। धीरे धीरे मसाला अच्छे से अंदर भर दें। इसी तरह सारे टिनसों में हम मसाला भर लेंगे। ये हमारे सारे टिन से मसाला भर के रेडी है। हाई फ्लेम पे पैन में तेल गरम करें। तेल गरम होते ही फ्लेम को लो करके एक एक करके सारे टिन से पकने के लिए कढ़ाई में रख दें। पैन को कवर करके 5 मिनट तक पकाएं। ये 5 मिनट हो चुके हैं। अब कवर हटा के एक एक टिनसे को हम पलट लेंगे। सारे टिनसों को अच्छी तरह से पलट लें। और फिर कवर करके 5-10 मिनट पकाएं। जब तक टिन से अच्छी तरह से पक न जाए तब तक फ्लेम को लो रखें और बीच बीच में पलटते रहिए। ये हमारे टिन से तकरीबन हो चुके हैं। अब हमारा जो स्टफिंग वाला मसाला थोड़ा सा बचा था वो हम उसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा डालेंगे और फिर अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट तक पका लेंगे। ये हमारी मसालेदार भरवा टिनसे की सब्जी रेडी है। अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। अब इसको धनिया से गार्निश करें और गर्मा गर्म रोटी के साथ परोसें। सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।